एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के नवे संस्करण के लॉन्च की घोषणा की। रक्षा मंत्री ने येलहंका में चंदन सिंह वायुसेना कन्वेंशन सेंटर में वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम मंथन 2023 का उद्घाटन करने के बाद इस बात की घोषणा की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने IDEX स्टार्टअप्स की जमकर तारीफ की और बताया कैसे रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज जब यह सेक्टर हमारी इकोनॉमी में अपना और अधिक योगदान देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो इस सेक्टर के महत्वपूर्ण प्रतीक एयरो इंडिया के आयोजन के लिए कर्नाटक से बेहतर शायद ही कोई और दूसरी जगह हो सकती थी। आज एयरो इंडिया 2023 का समापन हो रहा है, पर मैं समझता हूं कि समापन के साथ ही इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथनिंग की एक नई राह भी प्रशस्त हो रही है। यह एक नई शुरुआत है और इंडियन डिफेंस सेक्टर की आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस के एक नए युग का, जिसमें यह सेक्टर एक नई एनर्जी, नए कमिटमेंट और नए इंथ्यूजियाज्म के साथ अपनी प्रगति की राह पर मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। साथियों, एयरो इंडिया ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि नए भारत का नया डिफेंस सेक्टर पिछले कुछ वर्षों में लगातार ब्रॉडन और इनरिच ही नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया के अग्रणी देशों के डिफेंस सेक्टर के साथ कदम ताल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किशन रेड्डी ने अन्य भाजपा नेताओं के साथ रेलवे स्टेशन पर धर्मावरम विजयवाड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के मछलीपट्टनम तक विस्तार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायलसीमा और पालनाडु क्षेत्र के यात्री अब ट्रेन के विस्तार के साथ मछलीपट्टनम तक यात्रा कर सकते हैं। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि केंद्र ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के लिए 8,406 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश को धन का आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 20% ज्यादा है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। कांग्रेस द्वारा बीजेपी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर सीएम बसवराज बोमई ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन दोनों की शुरुआत सी से होती है, इसीलिए ये दोनों समान हैं। उनके खिलाफ 60 से ज्यादा मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और लोकायुक्त इन मामलों की जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम बोमई ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार चरम पर था, अब सभी मामले जांच के लिए लोकायुक्त के पास भेज दिए गए हैं, पहले उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों पर जवाब देना चाहिए। अमरावती में तिरुमाला में कनकदास गुरु पीतम मठ के निरंजनानंदपुरी महास्वामी ने मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान स्वामी ने मुख्यमंत्री से अपील की कि तिरुमाला में कुराबा समुदाय का कोई मठ नहीं है, जिस कारण लाखों भक्तों को आवास की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही स्वामी ने मुख्यमंत्री से 1 एकड़ भूमि आवंटित करने की अपील की है। राज्य में पर्यटन सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने अलग अलग जिलों में 20 महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पर्यटक पुलिस स्टेशनों का उद्घाटन किया। सीएम जगनमोहन ने यहां कैंप कार्यालय से पुलिस थानों का ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पर्यटक पुलिस स्टेशन सुरक्षा के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस थानों के रूप में काम करेंगे और पर्यटकों की शिकायत पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटक पुलिस स्टेशनों को विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों द्वारा चलाया जाएगा। इसका नेतृत्व SI या ASI रैंक के अधिकारी करेंगे। आपको बता दें, स्थानीय पुलिस स्टेशनों से जुड़े प्रत्येक पर्यटक पुलिस स्टेशन में महिला कांस्टेबलों सहित 6 पुलिसकर्मी होंगे। सीएम जो मोहन जगन रेड्डी ने इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअली बात करते हुए उन्हें सुझाव दिया कि जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के संपर्क फोन नंबर सभी पर्यटक पुलिस स्टेशनों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाए।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि बढ़ी हुई पर्यटन सुरक्षा राज्य में पर्यटकों के आवागमन को बढ़ावा देने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जगती याल जिले के कोंडा गट्टू में प्रसिद्ध अंजनेय स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। दरअसल राज्य सरकार ने हाल ही में मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी और ऐतिहासिक मंदिर को देश के सबसे लोकप्रिय मंदिरों के तौर पर देखा जाता है। इसमें से विकसित करने के लिए इस मंदिर को आगम शास्त्र के अनुसार काम करने की योजना भी बनाई गई। विकास योजनाओं को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से सीएम के चंद्रशेखर ने इस मंदिर का दौरा करने के साथ साथ अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में कर्नाटक बीजेपी कमेटी ने चुनाव से पहले 224 विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम बसवराज बोम्मई समेत पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव व कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह शामिल हुए। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी इस चुनाव को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। खबरों की माने तो इस बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर मंथन किया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कोची के जैन मंदिर में भगवान महावीर के 2550वें निवारण उत्सव के अवसर में अहिंसा रथ समारोह का उद्घाटन किया। ये रथ देश भर में भगवान महावीर को जन जन के महावीर बनाने में मील का पत्थर माना जा रहा है। आपको बता दें, अहिंसा रथ के माध्यम से सुखमय जीवन बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ अहिंसा रथ के जरिए अहिंसा, शाकाहार, पर्यावरण और महावीर स्वामी के प्रमुख सिद्धांत जियो और जीने दो का भी प्रचार किया जा रहा है। कोयंबटूर में कार सिलेंडर ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तमिलनाडु समेत कई राज्यों में छापेमारी की। दरअसल एनआईए ने 60 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। आपको बता दें, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में एनआईए ने यह छापेमारी 60 से ज्यादा जगहों पर संदिग्ध आईएसआईएस समर्थकों के संबंध में की, जिन्हें कथित तौर पर वीडियो के जरिए कट्टरपंथी बनाया गया था। दरअसल कोयंबटूर में बीते 23 अक्टूबर की एक कार में सिलेंडर विस्फोट हुआ था। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई थी। खबरों की माने तो इस ब्लास्ट में मास्टरमाइंड मुबीन नाम का शख्स मारा गया था। पुलिस ने शुरुआती जांच में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सभी कोयंबटूर के ही रहने वाले थे। एनआईए के मुताबिक आतंकी हमले को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने कई महीने तक साजिश रची थी। केरल सरकार के लाइफ मिशन प्रोजेक्ट में हुए कथित घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम पिनाराई विजन के पूर्व मुख्य सचिव एम शिवशंकर को गिरफ्तार कर लिया। खबरों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी पिछले 3 दिनों से शिवशंकर से पूछताछ कर रही थी। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उन्हें मेडिकल जाँच के लिए ले जाया गया है। इसके बाद शिवशंकर को अदालत में पेश किया जाएगा। शिवशंकर 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। इस मामले में गोल तस्करी को लेकर शिवशंकर को गिरफ्तार किया गया था। लाइफ मिशन परियोजना के तहत केरल के त्रिशूर जिले में गरीबों के लिए घर उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। सीबीआई ने 2010 में कोची की एक विशेष अदालत में विदेशी योगदान अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी। तत्कालीन कांग्रेस विधायक अनिल अक्कारा की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई थी। इस मामले में पहला आरोपी यूनिटेक बिल्डर के एमडी संतोष एप्पन को बनाया गया, जबकि दूसरा आरोपी सेन वेंचर्स को बनाया गया था। तेलंगाना के बीबी नगर के पास विशाखापट्टनम सिकंदराबाद गोदावरी एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस घटना में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें, ट्रेन के डिब्बों के पटरी से उतरते ही यात्रियों में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। दक्षिण मध्य रेलवे ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दरअसल ये ट्रेन हैदराबाद से विशाखापट्टनम जा रही थी। ये घटना सुबह के वक्त की है। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल इसके लिए रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया और ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर सामने आई।
हैदराबाद से विशाखापट्टनम जा रही थी ये ट्रेन, और पटरी से तो उतर गई लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बात की जानकारी रेलवे विभाग की तरफ से दी गई कि सुबह के वक्त हैदराबाद से विशाखापट्टनम जा रही ये ट्रेन पटरी से उतर गई। पार्वतीपुरम मान्यम जिले में हाथियों के हमले का सिलसिला जारी है। दरअसल पिछले 4 साल में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, अब तक 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बलीजापेट मंडल में एक हाथी ने शख्स पर हमला कर दिया, जिसमें मौके पर ही किसान की मौत हो गई। हाथियों की वजह से अब तक किसानों के काफ़ी फसल बर्बाद भी हो चुके हैं। मान्यम जिले के लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है, क्योंकि उनका कहना है हाथियों से जन और खेतों दोनों को नुकसान हो रहा है, सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, हाथी खेतों में घुस जा रहे हैं, फसलों को नुकसान कर रहे हैं। एक मामला अब ये भी सामने आया कि हाथियों के झुंड ने एक किसान पर हमला कर दिया, जिससे किसान की मौत हो गई, वहीं दूसरी तरफ खेतों को भी नुकसान पहुंचाया है। अब तक इस तरह के मामले 10 आ चुके हैं, 10 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग तो घायल भी हो चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश से ये पूरा मामला सामने आया, जहां एक बार फिर से हाथियों के झुंड ने किसान पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे पहले भी वन विभाग को कई बार यहां के लोगों ने सूचना दी कि हाथियों का झुंड अचानक से खेत में आ जाता है और खेत में जो फसलें होती हैं उनको कुचल देता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। साथ ही साथ लोग दहशत में भी जी रहे हैं, क्योंकि अचानक से हाथियों का झुंड आता है और किसी पर भी हमला कर देता है। ताज़ा मामला एक बार फिर से सामने आया, जहां एक किसान पर हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे पहले भी 10 लोगों की जान हाथी के हमले से हो चुकी है। लोग ऐसे में डर के साए में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। नेलोर बारा शहीद दरगाह पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो गुट आपस में ही भिड़ गए, देखते देखते हंगामा मच गया। वहीं इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। झड़प की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये पूरा मामला नेलोर से सामने आया। आंध्र प्रदेश के नेलोर में दो गुट आपस में ही भिड़ गए। हालांकि आपस में भिड़ने की वजह क्या है अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। ऐसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस की टीम अस्पताल भी पहुंची और घायलों का हालचाल भी जाना। तो दरगाह का ये पूरा मामला, जहां आपस में ही ये दो गुट है वो भिड़ जाते हैं और काफ़ी देर तक झड़प जो है इन दोनों गुटों में चलती है। अब ऐसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। केरल के कन्नौर में बीजेपी ने वालापट्टनम पुलिस के खिलाफ मार्च निकाला। मार्च पटेल रोड से वालापट्टनम पुलिस थाने तक चला, जहां पुलिस ने कार्यकर्ताओं को थाने के सामने रोका। मार्च के दौरान बीजेपी ने सीपीएम और डीवाईएफआई पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस की क्रूरता को लेकर नाराजगी जाहिर की। तो कन्नौर में बीजेपी ने ये मार्च निकाला है, सीपीएम और डीवाईएफआई के खिलाफ ये मार्च निकाला गया, जमकर नारेबाजी की गई है। केरल के कन्नौर से ये पूरा मामला सामने आया। कन्नौर में सीपीएम और डीवाईएफआई के खिलाफ बीजेपी का ये आक्रोश देखने को मिला। सड़क पर उतरकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ना सिर्फ नारेबाजी की, बल्कि कई तरह के आरोप भी इन दोनों पार्टियों पर लगाए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोमा रेड्डी पट्टाभी राम के ऊर्जा मंत्री पेड्डी रेड्डी पर उन्होंने निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए पट्टाभी राम ने कहा, प्रदेश में पूरा बिजली क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया है। वाईएसआरसीपी
शासन के दौरान डिस्कॉम पर 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज पहुंच गया। उन्होंने आगे कहा, चंद्रबाबू नायडू के शासन के दौरान 365 दिन बिजली की आपूर्ति की गई थी। विशाखापट्टनम में तेलुगु देशम पार्टी ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें टीडीपी नेताओं ने जगनासुरक्षा चरित्र के नाम से किताब लॉन्च की। इसके साथ ही टीडीपी विशाखा संसदीय अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास ने कहा, वाईएस विवेकानंद रेड्डी मामले में दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हत्या चुनाव में वाईसीपी के लिए सहानुभूति हासिल करने के लिए की गई थी। चेन्नई के पुलिस आयुक्त शंकर जीवाल ने सभी सिग्नलों पर यातायात नियम का पालन करने वाले मोटर चालकों की सराहना की। दरअसल हेलमेट पहनकर यातायात नियमों का पालन करने वाले दोपहिया और पिछली सीट पर सवार लोगों को प्रशस्ति पत्र वितरण कर पुरस्कार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पुलिस आयुक्त शंकर जीवाल ने कहा, यातायात नियमों का पालन प्रत्येक नागरिकों के लिए जरूरी है। यातायात नियमों का पालन कर आप खुद को सुरक्षित रखेंगे और खुद के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी सुरक्षा मुहैया कराएंगे। तो चेन्नई में यातायात नियम का पालन करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया, उन्हें एक प्रशस्ति पत्र देकर इसके साथ ही साथ गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया है। ये सराहना इसलिए भी और लोगों को एक संदेश भी दिया गया इसके जरिए कि यातायात नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ आप अपने आप को बचाएंगे बल्कि दूसरों के जीवन को भी आप सुरक्षित रखेंगे। तो वाहन चालकों को सराहना पत्र दिया गया, पुलिस आयुक्त की तरफ से ये प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। चेन्नई में सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परीक्षा शुरू हो चुके हैं। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए कुछ गाइडलाइन जारी कर दी गई है। छात्र छात्राओं से उस गाइडलाइन को पालन करने का निर्देश भी दिया गया। इसके साथ ही कहा गया कि अभिभावक भी बोर्ड की वेबसाइट पर नज़र रखें, इसमें उन्हें सीबीएसई के नए अपडेट की जानकारी मिलेगी और अपने बच्चों को भी वो बता सकेंगे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा या किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन डिवाइस लेकर जाना मना है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्र के अंदर अनुशासन बनाकर रखें। साथ ही परीक्षा गाइडलाइन में कहा गया कि छात्रों के लिए एक छोटी सी गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है। एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ें और उनका पालन करें, क्योंकि हर विषय की परीक्षा का टाइम, डेट शीट और एडमिट कार्ड पर दर्ज है। तो कल से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। ऐसे में तमाम जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीबीएसई ने एक गाइडलाइन भी जारी की है और इस गाइडलाइन को वेबसाइट पर जाकर अभिभावक और बच्चे देख सकते हैं। हैदराबाद में नुमाइश 2023 का समापन हो गया। दरअसल अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी सोसाइटी ने देश के अलग अलग हिस्सों के व्यापारियों और अलग अलग व्यापारिक संगठनों को मेले में अपने उत्पाद बेचने के लिए इसका आयोजन करवाया था। पूरे मैदान में मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई थी। नुमाइश 2023 में हाथ से बने राजस्थानी जूतों के अनूठे डिजाइनों ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। आपको बता दें, नुमाइश की शुरुआत 1938 में हुई थी और इसे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े व्यापार मेलों में से एक माना जाता है। तमिलनाडु के रोड में उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कड़गम के नेता एडापादी के पलानी स्वामी ने इरोड में लोगों का जनसमर्थन जुटाने के लिए रोड शो किया। इस दौरान पलानी स्वामी ने लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की। आपको बता दें, इरोड में उपचुनाव 27 फरवरी को होने वाला है।
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी है। वहीं इस बीच बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेत्रू की हत्या के आरोपी को बड़ी जिम्मेदारी मिली। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आरोपी के पुत्तूर से चुनाव लड़ने के लिए उसे मैदान में उतारा है। पुत्तूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन 150 से ज्यादा हमारे बूथ कमिटीज हैं, तकरीबन 3000 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता हैं। जब इनको एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एक पॉलिटिकल टारगेट करकर एक मर्डर केस में इनको फिक्स किया गया, उसी दिन एसडीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली थी कि इनको इसमें फंसाया गया है, पॉलिटिकली टारगेट किया गया है, और एसडीपी के स्टेट सेक्रेटरी कोई भी क्राइम में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, कहीं भी हो भी नहीं सकते, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत एक जो जेल में रहने वाले कोई भी केस में के आरोपी इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, इसमें क्या नई बात है। बीजेपी के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बॉम्ब ब्लास्ट केस में आरोपी रहने वाली यहां पर पार्लियामेंटेरियन बनती है, क्योंकि उसका अभी भी उसका एलिगेशन प्रूव नहीं हुआ। तो इसी तरीके से हमारी पार्टी में कोई कार्यकर्ता पूरे कार्यकर्ता मिलकर इनको ही कैंडिडेट बनाना बोल के एक डिमांड दिए हैं। अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ, वो डिमांड को हम नेशनल सेक्रेटरिएट काउंसिल को फॉरवर्ड किए हैं, उनसे वहां पर फाइनल अभी होके नहीं आया। फाइनल होने के बाद हम ऑफिशियली ऐलान करेंगे किसका कैंडिडेट फाइनल होता है। चार पांच नामा है वहां पर कैंडिडेट के लिए, उसमें एक नाम शफी बिल्लारे का है, इसमें क्या गलत बात है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।